हम पिशावर जो इंटरचेंज है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से पिशावर की तरफ हम जा रहे हैं और हमारा जो व्लॉग है वो पिशावर की तरफ है इंशाल्लाह। और मज़ीद जो खूबसूरत व्यूज़ हैं वो हम आपको दिखाएंगे। आज मैं, मुश्तबा और मुश्तबा के वालिद साहब और भाई, हम सारे निकले हुए हैं पिशावर की तरफ। पिशावर टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद पिशावर मोटरवे पे हमारा ये पहला सफ़र है और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सफ़र है, क्योंकि मोटरवे पे वैसे भी सफ़र का अपना एक मज़ा होता है। और ये चूँकि अचानक ये प्रोग्राम हमारा बना तो मैं और रिजवान बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे कुलीग ने मुझे कहा कि मनान भाई, यहाँ रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे हकला से डीआई खान मोटरवे लिखा हुआ है, तो वो बोर्ड जो है वो मोटरवे अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो मैंने कहा यार जब ये बोर्ड आए मुझे बताना, मैंने यहाँ स्पीच करनी है, क्योंकि ये बड़ा अहम मोटरवे है बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के लिए। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं सामने वो बोर्ड आ चुका है, अब यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं और मैंने यहाँ स्पीच करनी है, क्योंकि ये मोटरवे काफ़ी अरसे से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये मोटरवे अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। बेचारा इस वक्त मैं हकला टू डीआई खान जो सी पेक का रोड है उसके बिल्कुल मेन पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ से ये रोड डीआई खान तक ये एक मोटरवे बन रही है और ऑलमोस्ट ये मोटरवे कंप्लीट हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा काम अभी बाकी है। तो ये जो रोड है हकला टू डीआई खान ये 292 किलोमीटर है और ये तकरीबन 4 घंटे का सफ़र होगा इस्लामाबाद से डीआई खान तक। हालांकि इस वक्त जो सफ़र है वो 6 से 7 घंटे है, तो 2.5 घंटे का जो सफ़र है वो कम हो जाएगा। तो ये सीपेक रोड जो है ये कम्प्लीट होने को है इंशाल्लाह, और 5-6 माह के बाद इस रोड की इफ्तिताह हो जाएगी। तो ये इंशाल्लाह एक डेवलपमेंट है, खासकर जो जनूबी पंजाब है या बलूचिस्तान का जो जोक का इलाका है उसके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये पिछले जो वीडियो थी सीपेक वाली वीडियो के साथ ये कनेक्ट है, उसके लिए हमारा असल प्रोग्राम जो है वो पिशावर का है और इस वक्त हम पिशावर मोटरवे का सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ रहना, मिलेंगे आगे किसी और। जी हाँ दोस्तों, एक वो दौर था कि जब जीटी रोड पे इस्लामाबाद से पिशावर के लिए सफ़र करते थे, पुरानी गाड़ियाँ होती थी, तीनों टाइप की गाड़ियाँ, और सड़क भी बहुत पुरानी और ख़स्ता हाल, और सफ़र ऐसा कि थंग आ जाते थे, 4-4.5 घंटे इस्लामाबाद से पिशावर के लगते थे। तो इस मोटरवे पे
चूँकि मेरा और रिजवान का ये पहला सफ़र है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे पहले इस तरह की गैदरिंग में हमने सफ़र नहीं किया था, क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं वो अक्सर हम बाइक पे बनाते हैं। तो आज इस तरह अपने कलीग्स के साथ वीडियो बनाने का मौका मिला। तो एक दोस्त ने मुझे बताया कि पिशावर की बजाय अगर आप चकदरा स्वात मोटरवे पे चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मोटरवे नई बनी है, उस पर रश भी अभी कम है। इसके अलावा एक यूट्यूबर है जो रहीम बादशाह के नाम से स्वात चकदरा मोटरवे पे वीडियोस बनाता रहता है, उनकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हम भी चकदरा स्वात मोटरवे पे अपना सफ़र शुरू करें और उस पे वीडियोस बनाएं। तो ये बात जब मैंने अपने कलीग्स के साथ शेयर की तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है सर, चकदरा स्वात वाली साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि ये जो मोटरवे है पिशावर और आगे पिशावर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से चले यू टर्न ले लेते हैं और चकदरा मोटरवे पे अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो ऐसे ही हमारा इरादा चेंज हुआ और अब हम अपना सफ़र जो है बजाय पिशावर मोटरवे के स्वात मोटरवे पे शुरू करने लगे हैं। थोड़ी देर तक हम कर्न शेर खान इंटरचेंज पे पहुंचने वाले हैं, वहाँ से हम पिशावर मोटरवे को लेफ्ट करके स्वात मोटरवे पे इंटर हो जाएंगे और अपना सफ़र स्वात मोटरवे पे चकदरा तक जारी रखेंगे। तो दोस्तों ये है आज का हमारा व्लॉग जो पेशावर मोटरवे पे हमने बनाया, और उम्मीद है दोस्तों ये व्लॉग आप सबको पसंद आ गया होगा। मैं और रिजवान और हमारे जितने कलीग्स हैं हम इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की एक दो वीडियो और बना रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने कमेंट से हमें आगाह करना है। उम्मीद है ये वीडियो और इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को पसंद आ जाएंगी। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले व्लॉग में इसी चकदरा मोटरवे पे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।